दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपने किसी भी इमेज पर ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फोटोशॉप को यूज़ करके। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किसी भी इमेज या चीज़ पर आप ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ली हुई है सिंगिंग की, तो इस पर मैं ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस इमेज की लेयर पर मैं क्लिक करके और ऊपर सेलेक्ट मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से सब्जेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे की प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के दे देगा हमें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट टूल अप्लाई करने वाला हूँ और टेक्स्ट को मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर वाइट करके ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ सिंगिंग। ये मैंने किया। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को हल्का सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और रोटेट करके इसको मैं इमेज पर एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर पे, राइट क्लिक करके आपने टेक्स्ट को कन्वर्ट टू शेप कर देना है। उसके बाद इसको फिर से आपने राइट क्लिक करके और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर देनी है। तो यहाँ पर लेयर हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर दी है टेक्स्ट की और इस ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने इमेज के नीचे रख देना है और इस कॉपी वाले टेक्स्ट को आपने जो है ना इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपने आना है रेक्टेंगल टूल पे और ऊपर आपने इसका फिल आपने क्लोज कर देना है और स्ट्रोक आपने इसको वाइट दे देना है और 10 पिक्सल का आपने इसको स्ट्रोक देके एंटर कर देना है। अब आपने इस वाली टेक्स्ट की लेयर को और इस टेक्स्ट की लेयर को कंट्रोल की हेल्प से आपने सेलेक्ट कर देना है दोनों को और नीचे आपको लिंक वाले लेयर्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो इन दोनों को, ये दोनों टेक्स्ट की लेयर को लिंक कर देगा आपस में। आप इसे जहाँ भी रखना चाहें आसानी से मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी टेक्स्ट जो है ना ट्रांसपेरेंट होकर आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज या किसी भी चीज़ पर आसानी से जो है ना ऐसा टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, मज़ीद फोटोशॉप से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।